ISS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और इसको हम नाविक भी बोलते हैं, NAVIC। नाविक का मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। अब ये है क्या, ये एक तरीके का GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS हम सबने देखा होगा मोबाइल्स में है, वो GPS USA का है, और अब हमने जो बनाया है वो इसरो के थ्रू बनाया है। इसरो हमारे सभी लोग जानते हैं कितना मार्वेलस काम कर रही है स्पेस रिसर्च के फील्ड में और स्पेस के मामले में, तो ये इसरो ने बनाया है, दैट इज सैल्यूट टू इसरो। एंड अब इसके ऊपर जो न्यूज़ बनने वाली है, क्योंकि हम इस जो सीरीज हम बना रहे हैं करंट अफेयर और करंट न्यूज़ को लेकर के, इस सीरीज में हम वो सारे बर्निंग टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा बर्निंग होने वाले हैं, उनके ऊपर हम एक करंट अफेयर की थोड़ी सी डिटेल देते हैं, जैसे कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाए, और उसके बाद हम उससे रिलेटेड करियर ऑप्शन के बारे में देखते हैं, जैसे कि बच्चों को ये पता चल पाए कि कौन कौन से बर्निंग इशूज़ हैं आने वाले 10-20 साल तक, किस फील्ड में ज़्यादा करियर ऑप्शन रहने वाले हैं और कौन से करियर ऑप्शन ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस होल सीरीज। अब हमारा आज का जो करियर इन्फॉर्मेशन न्यूज का पहला ऑप्शन है, दैट इज सैटेलाइट इंजीनियर, क्योंकि इससे रिलेटेड जो इसरो ने IRNSS बनाया उससे रिलेटेड ही सारे इसमें ऑप्शन होने वाले हैं। तो अब सैटेलाइट इंजीनियर का रोल क्या होता है, सैटेलाइट्स वगैरह हमने देखा ही है, जिस तरीके से अभी हमने अपना जो मंगल मिशन और जो मून मिशन भेजा है उसको लेकर के सबको जानकारी है, तो इसमें इसको डिजाइन करना, पूरे मिशन को डेवलप करना, मेंटेनेंस करना, सैटेलाइट और से कम्युनिकेशन करना, ये सारे काम सैटेलाइट इंजीनियर के होते हैं, उनको नेविगेट करना, ये सारे काम होते हैं। अब इस करियर ऑप्शन में जाने के लिए आपको करना क्या होगा, डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सारे फील्ड्स को, क्योंकि ये सारे जो है ना इंक्लूसिवली काम करते हैं, ये एक ग्रुप टास्क है जो सब लोग मिलकर करते हैं। आज का हमारा करियर ऑप्शन नंबर 2 है एस्ट्रोफिजिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते भी हैं, और जो जानते हैं वो बहुत डिटेल में जा भी नहीं पाते। तो इसमें जो स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज जो हमारी स्पेस की जो जितने भी ग्रह वगैरह हैं उनकी रिसर्च करना, फिजिक्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे काम करता है, कैसे चलता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टेलीस्कोप और सैटेलाइट्स वगैरह, जिस तरीके से हम हमारे वॉयजर वगैरह जो नासा वगैरह जो काम करता है, इस टाइप के काम को देखना, वो सब एक साइंटिफिक तरीके का ये काम है, तो उसको लेकर के आप अगर जा सकते हो तो एस्ट्रोफिजिस्ट बन सकते हो। और इसके लिए आपको एजुकेशन क्या करनी होगी, डिग्री इन फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, और इसमें मास्टर और PhD डिग्री करके उसके बाद आप और इनडेप्थ में जितना जाना चाहें वो जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक टास्क है, तो उसमें ज़्यादा आपको एक बेहतर नॉलेज होनी चाहिए। हमारा आज का करियर ऑप्शन नंबर 3 है मिशन कंट्रोल स्पेशलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिस तरीके से अभी हमने मून मिशन भेजे और उससे पहले भी सारे मिशन हमारे जाते रहे, इसरो ने तो अपने झंडे गाड़े हैं नॉट इवन इंडिया, पूरी दुनिया के अंदर, तो हम सब जानते ही हैं। तो इसमें जो कंट्रोल करता है जो मिशन को, उनका काम होता है, तो ये क्या करते हैं, जो भी मिशन हम लॉन्च कर रहे हैं उसको मॉनिटर करना, कंट्रोल सैटेलाइट्स को कंट्रोल करना, ग्राउंड पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको कंट्रोल करना, ये सारा काम एक मिशन कंट्रोल स्पेशलिस्ट का होता है। मतलब कौन सी डिग्री इनको चाहिए होती है, डिग्री इन एरोस्पेस, एरोस्पेस में आप डिग्री इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इससे रिलेटेड फील्ड्स में डिग्री करके आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जा सकते हो। बट आप जब अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो तो या मास्टर कर रहे हो तो उस समय आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें किस पर्टिकुलर निश में जाना है, दैट टाइम इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज आपको उससे रिलेटेड जो भी आपकी जो बहुत सारी वेबसाइट्स आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत सारे जो टेडेक्स हैं, जो टेड टॉक्स होती हैं वो आप देख सकते हो, तो आपको स्पेसिफिसिटी और जो इनडेप्थ नॉलेज के लिए पता होगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है, सो यू कैन ग्रैब दैट। सो दिस वाज द ऑप्शन नंबर 3, एंड नाउ ऑप्शन नंबर 4 है हमारा स्पेस साइंटिस्ट। अब स्पेस साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल के ये रिसर्च करते हैं स्पेस के बारे में, उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, उसको अलग अलग टाइप के जो इक्विपमेंट्स, अलग अलग टाइप के जो नई नई मशीन्स बनाते हैं, जैसे कि जो स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमने स्पेस की बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया, इवन तो हमने सोलर सिस्टम जो हमारा है उसको भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, और उसी से रिलेटेड काम करते हैं। प्लेनेटरी साइंस क्या होती है, स्पेस के वेदर्स कैसे होते हैं, अलग अलग जो ग्रह पे क्या वेदर होते हैं, ये सारा काम स्पेस साइंटिस्ट करते हैं। और इसमें भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, जब आप इसके अंदर जाएंगे सो यू विल गेट द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। ओके, सो अब इसको करने के लिए डिग्री क्या चाहिए होती है, डिग्री इन स्पेस साइंस फिजिक्स, और उसके अलावा फिर आप अब इन डेप्थ में जाना चाहते हो तो मास्टर डिग्री और PhD डिग्री कर सकते हो इसके बाद। मतलब आपको बेसिक तो जो है ना डिग्री इन स्पेस साइंस को और फिजिक्स में जाकर के फिर इन डेप्थ में जा सकते हो। सो दिस वाज द करियर ऑप्शन नंबर 4, और ऑलरेडी हमारे जो सर्वे चल रहे हैं उसमें बहुत बहुत कम रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, सो वी आर रिक्वेस्टिंग यू कि आप उसको सर्वे को फिल करें, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। देन हमारा जो अब्रॉड स्टडी का जो सर्वे है, जो बच्चे अब विदेश में जाना चाहते हैं, हमने फ्री प्रोफाइलिंग वेबसाइट पर रखी हुई है, वेबसाइट का नाम आपको पता ही है careerfactory.in। आप वहां पर जाकर के स्टडी अब्रॉड वाले कॉलम में जाकर आप अपना प्रोफाइल कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां पर देख सकते हैं आपको किस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कितने परसेंट चांस है, वहां परसेंटेज भी आएगा, मीटर है परसेंटेज का वहां पर आ जाएगा, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर वो कर सकते हैं। फीडबैक जरूर दें, आपको वीडियो कैसे लगी, सर्विस कैसे लगी, अच्छी बुरी जैसी है, आपका फीडबैक इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स मैटर। ओके, और इसके अलावा एक नया फीचर भी हमने उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, वो है सूटेबिलिटी चेक। अभी होता क्या है,
बहुत सारे बच्चों को बचपन में या रील्स देख के या सोसाइटी के अंदर लगता है कुछ मुझे आईएएस बनना, मुझे पीसीएस बनना, या कुछ लोगों को लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर आके अपना जो भी उन्हें बनना है वो लिख देते हैं। जैसे उनको बनना है डॉक्टर तो एमबीबीएस लिख देंगे, वहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन है। अब वो चेक करेंगे कि एमबीबीएस तो मुझे बनना है, एक्चुअली मैं अभी एमबीबीएस के लिए ठीक हूँ या नहीं हूँ, इसे कहते हैं सूटेबिलिटी टेस्ट। तो वो चेक करके वहाँ पर हमारे जो एआई के पैरामीटर्स हम बता देंगे कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में जा सकते हो और आपके लिए ये फील्ड जो आपने चुना है ये सही है या नहीं है, और सही है तो क्यों है और सही नहीं है तो क्यों नहीं है। आपकी जो भी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल, आपका जो मॉड्यूल्स है वो सारे चेक करके साइकोमेट्रिक असेसमेंट के बेस पे ये सारा कुछ बताते हैं। तो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन। और नाउ हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन है आज का पांचवा, रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम इनका होता है आजकल, तो बहुत सारे फील्ड्स में इनका काम चल रहा है, जैसे कि डेटा वगैरह जो भी जियो सिंक्रोनाइज डेटा है वो सारा है, इसको कलेक्ट करना, डेटा सैटेलाइट्स का डेटा जो भी है, अर्थ सर्फेस का डेटा है, इसमें एग्रीकल्चर में बहुत काम हो रहा है, एटमोसफेयर में काम हो रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए काम हो रहा है, कहाँ कहाँ ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। उसके अलावा ओजोन लेयर्स वगैरह हमारी है वो, उसमें अगर कोई सुराग हो रहा है, उसके अंदर कोई टेयरिंग हो रही है, उसको ये जियो सेंसिंग रिमोट्स के थ्रू पता कर लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर काम करके उसे सही करने का काम करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, वेदर के बारे में जियो सेंसिंग काम करते हैं, तो बहुत सारे काम करते हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग में, सब में ये काम करते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट फील्ड। तो अब इसमें जाने के लिए आपको डिग्री इन रिमोट सेंसिंग स्पेशलिटी डिग्री होती है वहां पर कर सकते हो, और जियो स्पेटियल साइंस के अंदर भी डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपको ये सारे ऑप्शन पता थे या नहीं पता थे आप मुझे जरूर बताएं, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आपके कोई सुझाव है दैट ऑल्सो विल बी कंसिडर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।